आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब खुशी की बात भी है और दुख की भी, लेकिन आज का एक्सपीरियंस जो आज हुआ ना, मैं कभी स्टोरी टाइम में कवर करूँगा। जब स्टोरी टाइम क्या करूँगा ना 5K के बाद, तब बताऊँगा आज क्या हुआ था एग्जैक्टली। एक्स के टाइम पे भी था, अब भी है। ये तो वो बन गई रीत, बन गई हाथ मिलाने की, तो जब भी मिलो हाथ मिला लो। आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि बता नहीं सकते, मैंने अभी देख फोन पे बोला कि मैं स्टोरी टाइम में कवर करूँगा आज का एक्सपीरियंस। मतलब बहुत ही मज़ेदार बात भी है और बहुत सड़ी सी बात भी है, दोनों है। बताऊँगा कैसे, पर तो डेली होगी। कैसे क्या हुआ ऐसा? ये तो मैंने हॉटस्पॉट को ले गया, एक बात बताता हूँ मैं, ये अभी बता दूंगा कैमरे के पीछे। समझ गया मैं भाई, जब से पता चला है ना कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता हूँ, तब से तो समझ लेते हैं। आलोक सर से लेके विकास सर तक, विकास सर तो आज भी कह रहे थे, मैं मतलब फ़ोन खोला, मैं ट्विटर चला रहा था, सर कहते हैं बेटा लाइनें लिख रहे हो, बाद में लिख लेना, क्या देख रहे हो सब्सक्राइबर कितने हो गए। फिर कह रहे हैं मेरे पिताजी भी चलाते थे, उनके फेसबुक पे 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, ठीक है, कह रहे थे उनके तो वीडियो अपलोड होते ही 10,000 शेयर। मैं कह यार क्या बात है। फिर ये कह रहे क्या बेटा आप जाके करोगे हाय गाइस। एक ना सर अपने मामा जी की दुकान की बता रहे थे कि वो ना मॉडल वगैरह बनाते हैं। मैंने उनसे कहा कि इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे फिजिक्स में, और एक इंटीग्रेशन होता है ऐड करना, तो मैंने कहा सर इंटीग्रेशन पढ़ाने के साथ साथ हमने YT स्टूडियो वगैरह का, हाँ मैंने कहा इंटीग्रेशन पढ़ाने के साथ साथ कराते भी हो क्या, कल तो समझ में नहीं आया। फिर कह रहे बेटा इस पर लाइक्स नहीं आएंगे। हाँ बाल कटा लूँ क्या, मुझे कमेंट में बता देना बाल कटाने नहीं कटाने। 5K जिस दिन हो जाएंगे ना 5K सब्सक्राइबर पे कटवा दूंगा मैं तो, बन गए कह रहा था तू नहीं, अगर 5K सब्सक्राइबर होएंगे उस दिन कटवा दूंगा, या जिस भी वीडियो पर 10K व्यूज़ आ जाएंगे, जिस दिन 10K व्यूज़ आ गए ना उस दिन तो मैं इतने इतने करा दूंगा, इतने इतने किसी वीडियो पर आ गए नहीं करा दो। और वैसे भी आज संडे है, कल से जिम ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। वो बता रहा तू था, भी कह रहा था सीक्रेट ट्रिक, मतलब शो ऑफ फ्लेक्स फ्लेक्स नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसे ही करूंगा। मैं जाऊं या नहीं, ऐसे इससे तो तगड़े जिम करने हड्डियां जाएंगे। कुछ व्लॉगर्स ना ऐसे चलते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे होता है और बस समझ लो कैसे होता है, और मतलब ऐसे ही रखते हैं वो, मैं ऐसे रखता हूँ, इसलिए मैं ऐसा आता हूँ। अगर मैं ऐसे तो तुम समझ सकते हो मैं कैसे कह सकता हूँ। और हाँ मेरी थार खराब हो यार, थार में मेरे को वो कराना पड़ा, थार की तो ईएमआई भी बहुत है। अपनी थार निकाल के ला, रुक जा थार निकाल के लाऊंगा। मेरे घर में वो आए थे ईएमआई वाले, मेरी थार भी ले गए और जोड़ा जंगोड़ा भी ले गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक चलाएंगे हम। इससे थार का हैंडल टूट गया स्टीयरिंग। तू भी अपनी थार निकाल लिया अगर, हम भी थार का शौक क्या करेंगे, हम भी ऐसे क्या कहेंगे हमारे पास थार है और हम थार से वहाँ जा रहे लद्दाख घूमने। पंडित निकाल ले लिया अगर इससे, तो एक आध उसमें ना वीडियो में दिखाए दें तेरी भी थार। मेरी थार मेरी पहली छोटी वाली जो, मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को कुछ दिखाया जाए, सबसे पहले नॉर्मल रहना चाहता हूँ मैं। मेरा फर्स्ट मॉडल है, हैंडल उखड़ गया बाद में, मैं निकाल लेता। हाँ लेकिन अभी भी वर्किंग में है, चला के तो दिखाई से हैंडल पेंडल मार देता। हाँ इसका एक्सीलेटर दबा, जाम है बस थोड़ी सी बाकी सही है, जाम नहीं है चल रही है। अच्छा ऐसी चलती है कछुए की चाल, नहीं पैर बड़े हो गए, छोटी हो गई।